मैं आचार्य श्यामवंत पाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। आज एक छोटा सा भक्त का, संत जी का कहानी बता रहे हैं आप लोगों को। एक संत जी थे और एक माता जी थी, तो माता जी ने संत जी को निमंत्रण के लिए बुलाने के लिए आई, संत महाराज आज हमारे वहां आपको निमंत्रण करना है, भोजन करना है। संत जी ने कहा ठीक है माते, आप व्यवस्था बनाएं और मैं भोजन के लिए आ रहा हूं। माता जी ने भोजन बनाया और संत जी भोजन के लिए माता जी के वहां पहुंच गए। माता जी ने संत जी के लिए आसन लगा दिया, उनका चढ़ोदक लिया, फिर महाराज को भोजनालय में ले जाकर के संत महाराज को आसन पर बैठाया और थाली में संत जी के लिए भोजन निकाल करके रख दिया। लेकिन माता जी पापड़ देना भूल गई संत जी को, पापड़ देना संत जी को माता जी भूल गई। तो सारे भोजन तो संत महाराज की थाली में रखा हुआ है, लेकिन पापड़ नहीं मिला, तो संत जी का ध्यान उसी पापड़ में ही लगा था। जो थाली में भोजन रखा हुआ था उस पे संत जी का ध्यान नहीं था कितना भोजन रखा हुआ है, पापड़ नहीं मिली तो पापड़ में ही संत जी का ध्यान था। संत जी ने सोचा कि माता जी तो पापड़ देना ही भूल गई, अब मैं मांगू तो कैसे मांगू, संकोच कर रहे हैं, मांगेंगे तो बेइज्जती होगी। संकुचित में संत जी ने कुछ बोला नहीं, वह लगे सोचने कि कैसे मांगू। सारे भोजन थाली में रखा हुआ है, संत जी का उस पर ध्यान नहीं है, पापड़ नहीं मिला है तो पापड़ पर ही ध्यान संत जी का है, मन नहीं मान रहा है। लेकिन अब करें क्या, किस तरह से मांगे संत जी। तो संत महाराज एक दिमाग लगाए, कहने लगे माताजी माताजी, अरे कहो आपसे मुलाकात बता थी जो मुलाकात हो गई। माताजी ने कहा क्या हुआ महाराज। कहा माताजी जब आपके वहां मैं निमंत्रण के लिए आ रहा था तो बहुत लंबा सांप एक दिखा, जितना तक आपका पापड़ रखा है वहां तक इतना लंबा सांप था, जहां तक आपका पापड़ रखा वहां तक सांप था लंबा। माता जी ने देखा मुड़ करके, कहा अरे महाराज आपको तो पापड़ मैंने दिया ही नहीं। कहा अरे माता जी पापड़ की कोई बात नहीं है, जब मैं आ रहा था तो देखा बहुत लंबा सांप था, जहां तक आपका पापड़ रखा वहां तक इतना लंबा सांप मिला। तो संत जी ने इशारों में ही बता दिया और माता ने पापड़ ले आकर के दिया, संत जी को मिल गया। तो मित्रों, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता। संत जी अपने तरीके से उस बात को रखे और संत जी को पापड़ मिल गई। जय सियाराम।